नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत भलून में कांग्रेस पार्टी द्वारा बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने की। इस मौके पर जिला परिषद के सदस्य व जिला परिषद के नव नियुक्त उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल का भलून पंचायत में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव चेतन चंबियाल इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अजय महाजन ने नवनियुक्त जिला परिषद उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल का भलून पंचायत पहुंचने पर स्वागत किया और उन्होंने जिला परिषद उपाध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि चंबियाल का जिला परिषद उपाध्यक्ष का चुनाव जीतना प्रदेश सरकार के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के भाजपा के 4 मंत्री और जिला के अधिकतर भाजपा के विधायक होने के बावजूद जिला परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाना ये साबित करता है कि लोगों ने अब मन बना लिया है कि वे आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को आईना जरूर दिखाएंगे। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर बरसते हुए कहा कि 4.25 साल बीत चुके हैं और केंद्र की मोदी सरकार आज तक केवल झूठे वादे ही कर पाई है। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार के समय में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम और सब्जियों के साथ साथ अब रसोई गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अजय महाजन ने नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया पर तंज कसते हुए कहा कि नूरपुर के विधायक ने वायदे तो बहुत किए परंतु अभी तक किसी भी घोषणा पर काम शुरू नहीं हुआ है। राकेश पठानी ने घोषणा की थी कि जसूर में एक आधुनिक बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा, वहीं 200 दुकानों का निर्माण भी किया जाएगा, पर आज तक आधुनिक बस अड्डे के नाम पर एक ईंट भी नहीं लग पाई है। महाजन ने कहा कि बरसात के दिनों में लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा है परंतु आज तक नुकसान का आंकलन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गांवों में पानी की समस्या है और बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कहा था कि नूरपुर शहर में लोगों को 2 समय पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन ये सब झूठी घोषणाएं ही थी। आज की डेट में हर गांव में कल मलखवाल से टेलीफोन आया या स्पीच मैंने देखा कहीं, मैं केवल वो है, इसने मुझे टेलीफोन किया कि 7 दिन हो गए हैं पूरे एरिया में डॉलर स्कीम फेल है, पानी नहीं आ रहा। आपने कहा मुझे, और मुझे उस वक्त लगा, मैंने कहा ये क्या नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या हाल हो गया है। हम सुबह 6 बजे उठते थे, रात को 1 बजे तक कोशिश होती थी कि लोगों का प्रावधान करें। मैं पहली बार एमएलए बना था और पहली बार जो एमएलए बने उसका उतना ही एक्सपीरियंस होता, पर कुदरती महाजन साहब के साथ मुझे ट्रेनिंग मिली हुई थी। अच्छा साहब, महाजन जी के पास 23 बंदों का 23 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 50 बंदों का स्टाफ होता था। मरण जीन हम देखते थे, मैं एमएलए बन गया, एक मेरा ड्राइवर, एक मैं और मेरा टेलीफोन, अपे फैला चुको, अपे जाओ, अपे दौड़ो, अपे मरण जीन करो। मेरी लाड़ी मेरे करे जो गल करनी होती रात कई बार 1 बजे व्हाट्सएप पे गल करती थी, वो भी करने की लड़ाई करनी कि आपको है ही नहीं, कहां हो आपको पता ही नहीं, शुद्ध बुद्ध नहीं है। ये हालात थे, मैं असलियत कह रहा हूं। और जब उन्होंने कहा तुम्हें ये नहीं पता कि बिजनेस का क्या हाल है, तुम्हें ये नहीं पता बच्चे का है, अच्छा मैं अच्छा एक तरफ लोगों को गाना खानी है, एक बार करो गाना खा लिया और एंड में फिर हार गया। कि भाई जी आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है, आपका काम करने का ढंग निराला है, एक बारी गए, दूसरी बारी गए, तीसरी बारी ये खड़े हो गए, कहने भाई जी सारा पुराना कार्य ठीक था, कहने मैं शुक्र है, कहने मैं कि पता नहीं क्या गल हुई, वो छड़ी गया वापस। और इन्होंने कहा जो मुझे इन्होंने अल्फाज कहे, कहते दूसरी प्लेट में लड्डू बड़ा लगता है पर जब वहां जाओ खाने लगो तब लगता है कि छोटा है बड़ा है, कहते दोनों तरफ से एहसास हो गया। आज की डेट में बिजली बंद गांव में, पानी बंद गांव में, सड़कें टूटी हुई हैं, जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं एक भी पूरी नहीं हुई, सिर्फ डराया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता जो जिनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, इसको एक मेरे यहां बैठा, मैं नाम क्या लूं, चुमा, इसको भेज दिया पता नहीं कहां ट्रांसफर, जितने भी हैं सबके ट्रांसफर्स ही ट्रांसफर्स, डेवलपमेंट नाम का कोई नाम नहीं। जो हमारी प्रधान है, बीडीसी मेंबर्स हैं, उनको डराया जा रहा है, जो सेक्रेटरीज को कहा जा रहा है कि इनका काम ना किया जाए। जब एक बार एमएलए बन जाओ आपके लिए सारे जो है आपके वोटर्स होते हैं,